हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारे पास एक STK4141-2IC है, सेकेंड वाली। तो ये एक स्टेरियो एम्पलीफायर IC है और ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको दो चैनल मिल जाते हैं। तो इसके अंदर क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे पहले ही खोल के रखा हुआ है, ये बहुत टाइट लगा हुआ होता है। तो ये देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये चारों ट्रांजिस्टर इसके हीट सिंक से अटैच है, जिसके वजह से ये अच्छी कूल रह पाती है और इसका कूलिंग, जो हीटिंग डिसिपेशन है, वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन इसका पूरा इसी PCB पे बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ, पूरा ड्राइवर सेक्शन इसी PCB पे बनाया है और इसमें पूरे SMD कंपोनेंट यूज हुए हैं। और जो बड़े कंपोनेंट होते हैं वो हम बाहर PCB पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहीं पे लगे हुए हैं और इसमें रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, और साथ ही साथ दो कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं इस साइड में और इस साइड में। तो उसके सामने की बात करते हैं, तो क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको कंपोनेंट मिल जाते हैं तो ये रिपेयर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर ये ट्रांजिस्टर आपके ख़राब हो जाते हैं तो ये रिपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस हीट सिंक से अटैच होते हैं, तो हम इसे निकाल नहीं सकते। इस वजह से हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ केसेस में अगर आपके इस ड्राइवर सेक्शन अगर आपका ख़राब होता है तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, और कोई कनेक्शन अगर डिसकनेक्ट हो जाता है तो रिपेयर कर सकते हैं। और वो भी आप जब रिपेयर कर सकते हैं कि सेम वैल्यू के कंपोनेंट आपको मिल जाए, इसी तरह की दूसरी IC अगर आपके पास पड़ी हो तो उसमें से आप कंपोनेंट निकाल के इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक ओरिजिनल IC का सेट है, आप देख पा रहे हो, और ये ख़राब हो चुकी है अभी। तो कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ रहता है, बहुत ही छोटी चिप होती है। देखिए, और इसमें जो कनेक्शन के लिए जो जंपरिंग की गई है, काफ़ी पतले वायर से की गई है, जो कि ड्राइवर सेक्शन के लिए होती है। और बाकी जो आउटपुट वाले कनेक्शन आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं, तो इसी तरह से हर STK में सर्किट बना हुआ होता है। एक कंप्लीट पैकेज है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।